भगवान शिव जी का स्वरूप इस पर्वत को माना जाता है। बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। ओम नमः शिवाय। मैं पहुंच चुका हूं ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पे, तो मुझे नीचे चलना पड़ेगा। यहाँ पे बारिश हो रही है तेज। आपके पीछे वाले जो पेड़ से गंगा जी निकलती है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होता है। एक ये वाला गड्ढा, एक ये वाला गड्ढा, ये दोनों शंकर भगवान जी का घुटना का निशान। यहाँ पे शंकर भगवान जी ने जटा मारी है, ये लाइन लाइन दिखते है जटों का निशान। भाभी जी पीछे बैठी हैं। हाँ, ये भाभी। अच्छा अच्छा, मैं भाभी हूँ। सुपर बात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। अभी वैसे टाइम जो है 12 बज चुके हैं, थोड़ा लेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग, तो आने में थोड़ी लेट होगी। तो आज मैं जाने वाला हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत पे ट्रैक करने, लेकिन अभी जो है बारिश हो चुकी है स्टार्ट। मैं अभी हूँ त्र्यंबकेश्वर धाम के सामने, उसी लाइन में। मतलब अगर बारिश थोड़ी रुक जाए तो थोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन ये ट्रैक करने में टाइम जो है टोटल मुझे 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि पूरा दिन लगने वाला है। और जो इसकी रहस्यमय बातें हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में, वो सारी जानकारियां आपको बताऊंगा। तो करते हैं फिर दिन की शुरुआत आपकी दुआओं के साथ, एक नए दिन की नए तरीके से करते हैं शुरुआत। करते हैं स्टार्ट। अभी 100-200 मीटर और जाना है, कुशावर्त कुंड पे जाना है, तो वहां से मेरा ट्रैक होगा स्टार्ट। तो मिलते हैं आपसे आगे। ये है सामने रास्ता, यहाँ से होता है ट्रैक स्टार्ट। अगर आपको ब्रह्मगिरी पर्वत पे ट्रैक करने के लिए आना है, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा त्र्यंबकेश्वर धाम पे। त्र्यंबकेश्वर की दूरी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट ब्लॉग में, नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर के आसपास है। तो चलते हैं धीरे धीरे और पूरा करते हैं ट्रैक। आप कहाँ से आए हैं? हम जलगांव से आए हैं। शुभ नाम? मेरा नाम सुदर्शन काटे। हमारे जो शिव जी है, उन्होंने यहाँ पे अपने जो ऊपर मंदिर है वहाँ पे उन्होंने वो जटा उन्होंने धोई थी, उनका वो वहाँ पे निशान भी है, मार्क्स भी है। अच्छा, मार्क्स भी है। हाँ। अच्छा। गोदावरी जो नदी नासिक की, हाँ। उसका उगम स्थान भी है वो। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि क्या होगा ऊपर। 4 से 5 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है, देख सकते हैं। डंडा में ले चुका हूँ, बंदरों का अटैक हो सकता है ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत पे, इसलिए उनसे बचने के लिए डंडा जरूरी है। आपको मराठी आती है? व्हाट लैंग्वेज? मराठी नहीं आती। जरा ट्राई कीजिए। जैसे कि हम जा रहे हैं, क्या बोलेंगे मराठी में? हम जाते होता। हाँ या हम जाते होता। और हमारे पहाड़ी लैंग्वेज लैंग्वेज में बोलते हैं हम जानियो। तो यहाँ से 30 रुपये का टिकट हमें लेना होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो लेंगे हम 30 रुपये का टिकट यहाँ से। अगर यहाँ पे आप मानसून में ट्रैक करते हैं तो चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, ठीक, और एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं एकदम ग्रीन वाला है, चारों तरफ हरियाली आपको दिखेगी। भी हमारे साथ अभी एक सिंगर जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के, और सुने से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे फिकिर तो को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहा न मेरे काम का जग सारा, ओ बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यू ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। बहुत अच्छा गया आपने। बंदरों के साथ साथ लोमड़ी का भी यहाँ पे खतरा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे आपको स्टॉल मिल जाएंगे, चाय पानी नाश्ता कुछ भी चाहिए बंदरों के लिए या अपने लिए, पानी लेना है चांदी कुछ भी हो तो मिल जाएगा। कौन कौन से जानवर यहाँ पे हैं? नाग, वैसे मराठी में लिखा हुआ है सब, आप देख सकते हैं, लोमड़ी बाघ चीता सांप मोर सब इस जंगल में है। कितनी ऊंची चट्टान ये है, ये देखिए आप,
ये पूरा ब्रह्मगिरी है पर्वत, ये पूरा ट्रैक करना है, अभी लोग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जाने का रास्ता ये है, और आने के लिए रेलिंग के बगल में जो आ रहे हैं लोग, ये देखिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ झरने हैं यहाँ भी है। तो अभी आप देख सकते हैं बैग में कर चुका आगे, और क्योंकि बंदर का भी ज्यादा है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बाप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। देख सकते हैं दो पर्वतों के बीच में, दो चट्टानों के बीच में ये रास्ता बना हुआ है। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में, नजरों पे तेरी चाक दिल पे रफू हो गई, दिल पे रफू हो गई। आ मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। अभी हमें यहाँ से जाना है ऊपर, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से इधर, और जितने भी यहाँ के रहस्य है ब्रह्मगिरी के, वहीं जाके मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा फूल ले लेते हैं यहाँ से, कितने का है? 20 का। तो अभी 2 किलोमीटर के आसपास तो ट्रैक हो चुका है लगभग। मैं नीचे से कितना हुआ, 2 किलोमीटर हुआ यहाँ यहाँ तक, मतलब जहाँ से हम लोग आए, ज्यादा होगा ना। अभी ये कितना होगा पूरा आपके हिसाब से ऊपर, मतलब जितना ऊपर पूरा पहाड़ कितना होगा ये लगभग ट्रैक करना पूरा? पूरा बहुत मुश्किल है, 2 किलोमीटर के आसपास होगा ये। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, टोटल शायद 7 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक होगा, 7 से 8 किलोमीटर का। अभी बारिश होने लगी है, अब देखिए हवा काफी तेज है यहाँ पे, ऊपर तो बहुत ज्यादा तेज हवा होगी। तो ये पूरा आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत है, तो इस पीक पे अभी पहुंचना है ऊपर। काफी थकान हो चुकी है अभी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट यहाँ पे कर लिया है, थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा माहौल, अब थोड़ा सा सही हो गया माहौल। तो मैं धीरे धीरे से चलता हूँ, आपको अंदाजा हो गया होगा किस टाइप का पर्वत यह है, काफी ऊंचाई पे मैं हूँ। अब थोड़ा सा क्लियर हो चुका है मौसम, अभी तो बारिश के छींटे आ रहे थे, लेकिन अब फिलहाल सही है मौसम। ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कि भगवान शिव जी का स्वरूप इस पर्वत को माना जाता है, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से काफी ज्यादा प्रसन्न थे, काफी ज्यादा खुश थे, तो जिस वजह से भगवान शिव जी ने कहा कि मैं आपके नाम से जाना जाऊंगा, और यही पर्वत है जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत है, और ब्रह्मा जी के नाम से ये पर्वत कहलाता है, लेकिन स्वरूप है भगवान शिव जी का। ये चोटी का
चोटी का लास्ट हिस्सा है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एकदम चोटी ये है। पीक वाली एरिया ये देखिए, इस साइड पूरा त्र्यंबकेश्वर का आपको नगर दिखेगा नीचे, और नीचे है घना जंगल एकदम, और सामने आप देख सकते हैं, और नीचे का व्यू आप देखिए। ये कोई एक फोर्ट है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है नाम क्या है, कोई तो फोर्ट है। पूरा ये पर्वत वही है, ब्रह्मगिरी का पर्वत है जितना भी आपको दिख रहा है अभी। हर पर्वत है ना, मैं सबको काटू मत तो खीरा में लेके जाता हूँ। जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ये सेकेंडरी आप बोल सकते हैं, तो ये है प्राइमरी, यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो इसको मैं लेके जाऊंगा ब्रह्मगिरी के टॉप पे, जो खतरनाक वाला टॉप ऊपर है ना, वहाँ पे इसको मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि वहाँ प्यास लग सकती है, ऊपर पानी मेरे पास है नहीं, तो इसको मैं लेके जाता हूँ। दो केले हो गए, तो अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे टॉप पे, तो देखता हूँ यहाँ पे कुछ। चारों तरफ आप देख सकते हैं हरियाली है, और इस रास्ते के आइट साइड में आप देखिए हरियाली है। 1.25 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है, ये पूरा ब्रह्मगिरी है, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है इसका। जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो उस टाइम पे चारों तरफ से फॉग था, चारों तरफ से बादल लगे थे, जिसकी वजह से ये टॉप वाला एरिया दिखा नहीं, लेकिन अब दिखा है मुझे, थोड़ा क्लियर है व्यू। जैसे जैसे मैं टॉप पे आ रहा हूँ, हवा भी तेज हो रही है, अब थोड़ा रेस्ट मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है। कंटिन्यू चल रहा हूँ, कुछ लेके आया हूँ खाने के लिए, तो कुछ खा लेता हूँ यहाँ पे, केले वेले यहाँ पे करता हूँ रेस्ट थोड़ा। ओहो भाई, यहाँ से जो व्यू है ना कमाल का एकदम, नीचे तालाब भी है और नीचे घने जंगल हैं। लेकिन रास्ता बीच बीच में दिख नहीं रहा है, ये देखिए चारों तरफ फॉग है, कोहरा है और सिर्फ बादल है। तो मैं जा रहा हूँ और ट्रैक कंप्लीट करके आता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे रास्ता टाइप तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। काफी तेज हवा अभी चलने लग गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीचे एकदम क्लोज हो चुका है, रास्ता दिख जाए बस, अभी चोटी आने बाकी है। जो है बारिश आने लग गई है, तो जल्दी जल्दी चोटी पे मैं पहुंचता हूँ। अगर बारिश आ गई तो फिर खतरा यहाँ पे हो सकता है। और नीचे आप देखिए एकदम कोहरा खतरनाक वाला लग चुका है अभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भाई साहब ये है टॉप, दिस इज द टॉप। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ तक जाना है, लेकिन
यहाँ पे जाके कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगल बगल घास ही घास है, लेकिन यहाँ पे पूरा बैठने का पूरा टॉप है। यहाँ पे देखिए तो अब जो है मैं पहुंच चुका हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पे। यहाँ से अगर बादल नहीं लगे रहते, कोहरा नहीं होता ना, पूरा दिखता, लेकिन कोहरा है चारों तरफ तो अभी कुछ दिखेगा नहीं। तो अब मैं जाऊंगा सीधे नीचे, नीचे जाके आपको एक ऐसा मंदिर दिखाऊंगा, जटाधारी मंदिर उस मंदिर का नाम है। तो बारिश हो रही तेज, नमः शिवाय, तो मुझे नीचे चलना पड़ेगा, यहाँ पे बारिश हो रही है तेज, फिर बारिश में रास्ता हो सकता है खराब, तो चलना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बहुत फिसलन भरा है, तो निकलना पड़ेगा। अब गौतम ऋषि यहाँ पे रहते थे पहले, तो यह क्रॉस करता हूँ यार मैं, बारिश होगी तेज तो दिक्कत हो जाएगी। फिर पीक पे आप आना चाहते हैं तो कभी भी बारिश के मौसम में ना आइए, क्योंकि स्लिप आप हो सकते हैं यहाँ पे, रास्ता बहुत खराब हो रहा है। हेवन सही बात, जो हवा लग रही है, आप ऊपर जाके गए हो ना, ऊपर टॉप पे जाके आ गए। तो ये वाला ट्रैक है मंदिर में जाने के लिए, रेलिंग यहाँ पे लगी हुई है और मुझे जाना है नीचे यहाँ पे। रास्ता थोड़ा सा खराब है। तो यहाँ पे है ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन, ब्रह्मगिरी मंदिर ये है। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं गोदावरी उद्गम स्थान पे, ये देखिए। तो गोदावरी नदी का मुख्य उद्गम स्थान यहीं पे है, ये देखिए। तो ये स्टैचू आप देख सकते हैं, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या का स्टैचू है। तो फाइनली आप देख सकते हैं मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम है। तो यहाँ पे ना गंगा का उद्गम कैसे हुआ थोड़ा, ये देखिए मूल स्थान मूल गोदावरी का जन्म स्थान है। तीन गुलर के पेड़ से जो गंगा जी का उद्गम होता है, नीचे देखिए आपके पीछे वाले जो पेड़ से गंगा जी निकलती है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होता है। दूसरा जो पेड़ मेरे पीछे की साइड में है, यहाँ से गंगा जी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा जो गौतम ऋषि की साइड में छोटा वाला पेड़ है, यहाँ से गंगा जी का स्टार्टिंग होता है। यहाँ से गंगा जी गुप्त हो गई है, यहाँ से नीचे गोमुख में गई है, वहाँ से शिव जी ने जटा पचाड़ी वहां पर गई है, वहां से गंगा द्वार गाँव में कुशावर तीर्थ त्रंबकेश्वर मंदिर, नासिक पंचवटी में जो आप बड़ा रूप देखते हैं बहता हुआ, ये बाल्यावस्था में गंगा जी का जन्म होता है। ये गौतम ऋषि के हाथ से गो हत्या का पातक होने के वजह से भगवान शिव जी को प्रकट करके भगवान गौतम ऋषि ने यहाँ पर गंगा जी का उद्गम किया है। कायिक वाचिक मानसिक अनेक प्रकार से जीव जंतु पैर से मारे जाते हैं। जिस प्रकार गौतम ऋषि के हाथ से गो हत्या होने की वजह से उनको शिव जी को बुलाना पड़ा, उसी प्रकार अपने हाथ से पैर से अनेक प्रकार से जीव जंतु मारे जाते हैं, उसका पातक अपन ना ही फेर सकते हैं, ना ही शिव जी को बुला सकते हैं, ना ही गंगा जी को बुला सकते हैं। करके यहाँ पर आने के बाद श्रावण मास में महापर्व काल में हर दिन में गोदान करने का ज्यादा महत्तम है। गंगा गोदावरी श्रावण मास एकादशी इत्यर्थम गोदान। तो गोदावरी नदी का जहाँ पे उद्गम स्थान है वहाँ पे लुप्त हो जाती है, लुप्त होने के बाद यहाँ पे गौमुख से निकल रही है आप देखिए, और कुंड भी छोटा सा यहाँ पे है गोदावरी का। ब्रह्मगिरी का जो मेन मंदिर है मुख्य मंदिर है उसके दर्शन में कर चुका हूँ, और गोदावरी उद्गम आपने देखा वहाँ के भी मैं दर्शन कर चुका हूँ। गोदावरी साउथ इंडिया में जैसे हमारे वहाँ गंगा नदी का महत्व है ना हमारी साइड को, तो इस साइड को गोदावरी नदी का वही महत्व है जो गंगा का हमारे वहाँ है। गोदावरी नदी का यहाँ पे दूसरा नाम बोला जाता है गौतमी गंगा। तो इधर है जटाधारी मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था,
पहुंचने वाला हूँ, चलते हैं। कुछ ना कुछ तो निशान होगा, वो निशान मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक ये वाला गड्ढा, एक ये वाला गड्ढा, ये दोनों शंकर भगवान जी का घुटना का निशान, ये दोनों घुटना टेक के यहाँ पे शंकर भगवान जी ने जटा मारी है। ये लाइन लाइन दिखते है जटों का निशान, जटा से गंगा जी निकल दी। यह से गुप्त रूप में दूसरा पहाड़ है गंगा द्वार, नीचे त्र्यंबकेश्वर कुशवर्त कुंड में, वहां से नासिक पंचवटी पैठण नांदेड आंध्रा में चले गए गोदावरी। दूसरे घुटने का निशान ये है, पहले घुटने का निशान ये है, और यहाँ जटा पटकी है। देखिए यहाँ पे जटा पटकी है। फाइनली दर्शन हो चुके हैं जटाधारी मंदिर के, भगवान शिव जी के। और जो है जहाँ पे जटाओं को पटका था वो जगह भी आपने देखी, वहाँ पे अभी भी निशान है। रहस्यमयी मंदिर ये है। और जो है आई होप ये सब आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कहाँ से आए हैं? मालेगांव। ये महाराष्ट्र में पड़ता है ना? हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा 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 अच्छा, हम दो बार आ चुके हैं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप दो बार आ चुके हैं? शादी के पहले आए हैं। अच्छा अच्छा, जो जो जैसा रहता है वैसा अच्छा है, आपने को पसंद आ गया? शुभ नाम? हाँ, संदीप खरनार। अच्छा, मेरे को अच्छा लगा इसीलिए मैं आ गया। धन्यवाद। आप खाना वाना खा रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, ये आपके बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे। अच्छा, दो बच्चे हैं आपके? लड़की है, दो लड़के हैं। अच्छा, भाभी जी पीछे बैठी हैं? हाँ, ये भाभी। अच्छा अच्छा, मैं भाभी नहीं रही। और आप? मेरे भावजा ही हो। अच्छा, मेरा बड़ा भाई। अच्छा, वो भाई। अच्छा अच्छा, चलो आपके, अच्छा आपके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा मुझे लगा। ओके, तो अब जो है दर्शन मैंने सब कर लिए हैं। एक बार ब्रीफ में आपको बता दूं कि पहले उद्गम तो हो गया था, आपको पता है। उद्गम होने के बाद विश्व के कल्याण के लिए गोदावरी का बहना बहुत जरूरी था, जो कि गौतम ऋषि ने जब भगवान शिव जी की आराधना की उसके बाद बोला। तो भगवान शिव जी ने फिर तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य करने के बाद अपनी चट्टाओं में गोदावरी नदी को लिया। फिर जहाँ भी मैं गया था, जो मंदिर है जटाधारी, वहाँ पे अपनी जटाओं को पटका था और दोनों घुटनों को वहाँ पे रखा था। उसके बाद गोदावरी नदी ने बहना शुरू किया था। बहना मतलब यहाँ पे तो गुप्त हो जाती है गोदावरी नदी, और निकलती कहीं और से है। तो आप लोगों पे पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।